कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें एक बार फिर बड़े रेल हादसे की साजिश रची गई है। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर एलपीजी गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई है। सिलेंडर से टकराते ही धमाके की आवाज को सुनकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़े हादसे को रोक दिया। ट्रेन कानपुर से भिवानी जा रही थी। मौके से कई सामान बरामद हुए हैं जिनकी जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि बर्रा राजपुर रेलवे स्टेशन से 2.5 किलोमीटर आगे रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी गैस सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस 14117 टकरा गई। कालिंदी एक्सप्रेस से टकराने से सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इसके बाद अनवरगंज कासगंज रेलवे ट्रैक पर लगभग 22 मिनट तक कालिंदी एक्सप्रेस खड़ी रही। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और एक झोला भी बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर रेलवे के अधिकारी आरपीएफ और जीआरपीएफ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम लगाएंगे।